उधर बैट लगा हुआ है, बोली लग रहा है उधर। मुशी भाई 10 नंबर ही देने थे, एक आपने किसी और खिलाड़ी का उठा के उसे दे दिया। अच्छा जी अगला, मुझे कौन सा सोचना पड़ता, मुझे कौन सा अपनी जेब से देना पड़ता, तुम इतने समझदार आदमी हो। एहसानुल्लाह 9 अगेन, एहसानुल्लाह 9 जी, वेरी नाइस, ओके वेरी नाइस, वेरी नाइस। एट द मोमेंट पीएसएल की परफॉर्मेंस है जो मुल्तान सुल्तान की सक्सेस में उसका हाथ है। आई एम गोइंग टू गिव हिम, इस दफा मैं डिफरेंट दूंगा, 10। क्या बात है, सजी वखा के खबी मारना इसको कहते हैं, वाह भाई वाह। ओके जी फखर जमान, फखर जमान अगेन इज 10। 10 ओ ओ वैसे इंजी मुशी, मेरा एक मशवरा है, 8 मेरा इस स्किपर का एक मशवरा है, ये खिलाड़ियों को इतने ज्यादा नंबर्स ना दो, इन्होंने ऑफशोर कंपनी बना लेनी है। वो नंबर दे रहे हैं, वो कहे फोन नंबर दे रहे हैं आप तो। अच्छा जी अगला, सिर्फ दो नाम रह गए हमारे पास, आजम खान, आजम खान 6। आई थिंक जो उसने इनिंग्स खेली है 9.5। बिल्डिंग मुशी भाई खरीदेंगे। और लास्ट बट सर्टनली नॉट द लीस्ट, चाहत फतेह अली खान, आउट ऑफ लक। पहले इंजी बोलेगा फिर मैं बोलूंगा। भाई चाहत किसके फतेह अली भाई नहीं बोल रहे, इंजी भाई चाहत फतेह अली खान, वो जो फास्ट बॉलर है, चाहत फतेह अली खान, ये तो जो बॉलर है ये नाम है तो इसको तो 10 ही देने चाहिए। जी सर इंजी भाई, और मुशी भाई कितने देंगे चाहत फतेह अली खान? बेल्डन इंजी ने खूबसूरत जवाब दिया कि नाम के ऊपर चाहत के ऊपर ही 10 नंबर बनते हैं, तो चाहत अली खान को इंजी ने ये कह दिया 10, मेरे लो 100/100 नाम दे उत्ते ही। मुझसे पूछते तो मैं भी उसको 10 ही देता। अच्छा। लेकिन 10 साल जेल कम से कम। मुझसे कोई पूछे ना नंबर, मैं जूता उतार के उसको 10 नंबर दूं। नहीं मैं भी वैसे चाहत को 10 नंबर ही देता, लेकिन वो पंजाबी में नहीं कहता इसको 10 देता। बड़ी बड़ी बातें करते हैं खान साहब। मेरा एक इनसे सवाल है, मुशी भाई और इंदी भाई भी यहाँ पे मौजूद है, उनके स्किपर से सवाल करता हूँ जी। सर अमूमन हमें देखा जाता है किसी घर फोतगी होती है, हम उनके घर जाकर अफसोस करते हैं। इनके साथ सारी जिंदगी खेलते रहे हैं मरहूम लेजेंड जो अब्दुल कादर साहब, वो जब फोत हुए उनके तकरीबन 2 साल के बाद इनको ख्याल है, और इन्होंने उनके बेटे से राबता करके कहा है कि जमान पार कहो मैंने अफसोस करना है। ओ तो ये जरा थोड़ा सा बताएं ये क्या, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस बिहेवियर? पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ख्वाजा हैं राइट जी, सियालकोट वाले ख्वाजा हैं या फिर लाहौर वाले? नहीं मैं लाहौर वाला, दूसरा लाहौर वाले ख्वाजा। नहीं नहीं कोई साथ साथ रफीक, मुझे पता था प्लांटेड ये मैं पता प्लांटेड ये बंदा प्लांटेड बैठा हूँ मैं पता था। जी जी ओ भाई मेरी बात सुनो, ओ कप्तान जी आप सीधा कहें कि मेरी जान को खतरा, मैं अदालतों में नहीं जाता, किसी के घर अफसोस पे क्या जाऊंगा। हाँ। मैं यही तो कहने यार मेरी बात सुन, मैं यही कहने वाला था, मेरा कैमरा तूने ले लिया, यही मैं कहने वाला। आजकल फिल्में बड़ी रिलीज हो रही है, माफ करे, जिसका नाम है व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट, आपने वो फिल्म देखी है? वाकई व्हाट्स गॉट लव गॉट व्हाट टू डू विद, इसका मतलब वाकई क्या? खान साहब आपको उसके अंदर आइटम सॉन्ग करना चाहिए था, या फिर अपना इधर वाला कर लेते, मुझे कहते हैं बिल्ली म्याओ म्याओ। अच्छा आपने फिल्म देखी है, अगर वो प्रीमियर पे आपको बुलाएं तो वहां जाएंगे? यार मैं कभी नहीं जाता, मुझे बड़े बड़े सूदी भट्ट ने मुझे कई बार बुलाया। सूदी भट्ट ने जब मुझे बुलाया मैं नहीं गया हूँ, तो ये गोल्डस्मिथ क्या बेचता है उसके सामने? कोई ना कोई पुटी सूदी बात कर ही देता है।
मैं ये गुजर द खड़ाक मैं नहीं गया मैं नहीं अच्छा किया इतनी बड़ी बड़ी फिल्म में मैं नहीं गया मैं नहीं जाता प्रीमियर वहीं से शुरू होता है जहां से हम खड़े होते हैं वाह वाह बड़ी लाइन बोल गया अच्छा स्किपर के दौर में पीएसएल के अंदर कोई इंप्रूवमेंट आई थी इंद्री भाई आप भी बताएं सर बल्कि मुशी भाई आप दोनों से पूछते हैं कि स्किपर के दौर में पीएसएल ज्यादा बेहतर था कि अब आपको पीएसएल ज्यादा बेहतर लग रहा है फिर आपसे भी पूछेंगे कसम लगा जाए तो प्लीज कौन सा वाला कैमरा जी जी इंजी भाई बताएं इंजी भाई को आगे करते हैं आप जी जी मैं इंजी 92 क्यों सिनिंग्स का वास्ता जी नहीं देखिए पीएसएल है ना ये डे बाय डे बेहतर से बेहतर होता जा रहा है इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है क्योंकि जी उस टाइम भी अच्छा हो रहा था और लेकिन उसमें ये कहना चाहिए क्योंकि जी पहली दफा हमने सुना क्योंकि जी पीसीबी ने अनाउंस किया क्योंकि जी है ना ये प्रॉफिट है ना में आ गया है जी पीएसएल तो ये बड़ी अच्छी चीज थी और ये सेठी साहब का अगर हम जिक्र करें ना तो सेठी साहब ने तो इसको वो किया था शुरू करवाया था ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव था जो सिर्फ है ये सेठी साहब को क्रेडिट जाता है इस चीज का इसमें कोई शक वाली बात नहीं है तो पीएसएल है ना हमारा जो सा खेल ये जो सा इवेंट है ना ये पाकिस्तान का सारों से जबरदस्त इवेंट है जिससे ना पाकिस्तानी क्रिकेट मैं ये समझता हूँ कि दोबारा से जिंदा हुई है तो ये उस टाइम भी अच्छा हो रहा था आज भी बहुत अच्छा हो रहा है तो इसको मेरे ख्याल में कि जी अगर इस उसमें ही देखते रहे तो ये बहुत अच्छी चीज है जी नहीं ये इंजी ने मेरे हक में बात की के खिलाफ पूरी समझ नहीं आई उन्होंने हक में बात की कि एवरी ईयर इट्स इंप्रूविंग तो आपने भी इंप्रूवमेंट की लेकिन असल जो शुरू किया था वो सेठी साहब ने था उनका इनिशिएटिव था जी अच्छा जी मुशी भाई आपने भी बताना था मुशी भाई मुशी आपको सेलिब्रेशन का वास्ता है वो जो सेलिब्रेशन की थी अच्छा यार बताया करो भूल जाता हूं आपको कभी नहीं हम भूल सकते क्योंकि आपके साथ हमने 3-4 साल अपने जिंदगी के कैरियर शुरू किए हैं और आपने बड़ी हमारी हेल्प की है आपने हमें एक माइंडसेट दिया था कि क्रिकेट खेलनी कैसे है तो आपको कभी नहीं भूलेंगे आप डाउट ना आने दें अपने आप के ऊपर आप फिक्र ना करें आपको हम क्या बात मगर जी आप लोग को जल्दी से बताते जाए मगर आया मगर पीएसएल की जो बात पीएसएल की जो बात आपने की है पीएसएल वाहिद पाकिस्तान की ब्रांड बनता है जो इसलिए बड़ा बन गया और इसलिए इसके एसओपीज और प्रोटोकॉल्स डिफरेंट हैं अपनी टीमों से या डोमेस्टिक क्रिकेट से कि पीएसएल की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट वापस पाकिस्तान आने में बड़ी मदद हुई है इसलिए पीएसएल जब से शुरू हुआ है पीएसएल वन ऑफ द प्लेटफॉर्म वेयर एक्चुअली इंटरनेशनल क्रिकेटर्स स्टार्ट प्लेइंग फॉर PSL and then they start believing that we can play in Pakistan. So I think PSL को ये भी credit देना चाहिए, सबको credit देना चाहिए। इसमें से एक बंदे का होता नहीं है। ये behind the scene there is a plenty of हमारी securities को हमारे जो security agencies हैं, उनको बड़ा credit जाता है कि जिन्होंने दिन रात थक अनथक मेहनत करके इनको कामयाब बनाया। तो अल्लाह हमारे इस PSL brand को हमेशा कायम दायम रखे। आमीन जी आमीन अच्छा जी